नमस्कार ऑल ऑफ यू। आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है, पाठ निहित प्रश्न। पिछले वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के 9 जो हैं पाठ निहित क्वेश्चन बता दिए गए थे। आज जो है NCERT का पेज नंबर 87 का पाठ निहित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन तार में से प्रवाहित होंगे, और जो दिया गया है वो धारा का मान दिया है और समय दिया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आवेश क्यू जो है, आवेश क्यू बराबर होता है धारा गुणे समय, क्यू बराबर IT, और आवेश क्यू बराबर होता है NE। ठीक है, इन दोनों जो सूत्र हैं क्यू बराबर IT और क्यू बराबर NE, इन दोनों को बराबर कर देंगे, IT बराबर NE हो जाएगा, उसके बाद N बराबर IT/E। यह फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। धारा जो है I का मान दिया है 0.5 एम्पियर और समय दिया है 2 घंटे। यह 2 घंटे को आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 घंटे को सेकेंड में चेंज करने के लिए 2 × 60 × 60 मिनट, तो सेकेंड, क्योंकि 2 घंटे को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, उसके बाद मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुणा करेंगे, अर्थात टी बराबर हो जाएगा 2 × 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, अब उसके जो है इन वैल्यू को आप पुट करेंगे, ई का मान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसके बाद सॉल्व करेंगे आप एन का मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, धारा का मान I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, समय दिया है 2 घंटे। ठीक है, इसको चेंज कीजिए 2 × 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, आप जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, Q बराबर IT, और आवेश Q बराबर होता है NE, दोनों को बराबर कर दिए, IT बराबर NE, तो N बराबर IT/E। मान रख दें N बराबर I का मान 0.5 एम्पियर, T का मान 2 × 60 × 60, और बटा ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, बटे 1.6 × 10⁻¹⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2.25 × 10⁻²² इलेक्ट्रॉन, 2.25 × 10⁻²² इलेक्ट्रॉन, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया तो निकाल चुके हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या पूछा जाए तो इसमें क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या बराबर, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाले हैं 2.25 × 10²² बटा अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6.023 × 10²³। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.73 × 10²² मोल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या निकल जाएगी 3.73 × 10²² मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिए, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो आपको धातुओं की एक सूची बनाना है जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो एक सूची बना लीजिए, जैसे कुछ धातुओं को हम यहाँ पे लिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम जैसी धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, अतः इन्हें निष्कर्षित करने के लिए इनका गलित विलयन लिया जाता है। ठीक है, तो यह सूची आप बना लिए कुछ धातुओं का कि लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम जैसी धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, अतः इन्हें निष्कर्षित करने के लिए इनका गलित विलयन लिया जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7-2- आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 1 मोल जो है इसका अपचयन करना है, तो इसके लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक, यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया है, Cr2O7-2- +14S+ +6 ₏ (2Cr3++7H2O). तो इस समीकरण को देख के आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह जो समीकरण है वह अपचयन अभिक्रिया का समीकरण है,
और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, अर्थात जो विद्युत की मात्रा होगी वो 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 फैराडे की होगी, 6 फैराडे की होगी। और फैराडे का वैल्यू आप रख देंगे तो कूलम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यह आपका समीकरण दिया था क्वेश्चन में, Cr2O7 दो माइनस प्लस 14 एस प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cr3 प्लस प्लस 8H2O, ठीक है। तो यह आपका Cr2O7 दो माइनस आयन की मोल को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। Cr2O7 दो माइनस आयन के मोल को अपचयित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 1 फैराडे, अर्थात 96500 कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है। अतः 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 6 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, अर्थात 6 फैराडे, फैराडे मतलब 96500 कूलम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 57900 कूलम, ठीक है। तो इतना कूलम जो है विद्युत की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यह कहाँ से मिला आपको, यह आपके जो अपचयन समीकरण है इससे आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 फैराडे की जरूरत होगी। तो इस तरह से जो है आपका पाठ्यनिहित प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं, अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयन में से प्रतिस्थापित करती हैं। तो इसको आप जो है एक क्रम में लिखना है जिसमें वह उनके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित करती हो। तो इसके बारे में आप विद्युत सारणी श्रेणी में पढ़े हैं कि जो धातुएं ऊपर होती हैं श्रेणी में वह अपने नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या करती हैं, प्रतिस्थापित करती हैं। तो श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में आप देखेंगे तो जो धातुएं ऊपर होंगी वो पहले लिखेंगे और जो नीचे होंगी उसको बाद में लिखेंगे, इज ग्रेटर का, ठीक है, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे तो एक आपको क्रम मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक, उपयुक्त धातुओं के मानक अपचयन विभव क्रमशः। तो सारणी से अगर देखा जाए तो इनका मानक अपचयन विभव कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का -1.66 वोल्ट, कॉपर का +0.34 वोल्ट, आयरन का -0.44 वोल्ट, मैग्नीशियम का -2.37 वोल्ट और जिंक का होगा आपका -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको टेबल से मिल गया। मानक अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचय विद्युत विभव का मान कम होने पर आसानी से धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है। मानक अपचय विभव का मान कम होने पर धातु क्या कर सकती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है तथा प्रतिस्थापन क्षमता अधिक होती है। अतः प्रतिस्थापन क्षमता का घटता क्रम निम्न प्रकार होगा, ठीक है। तो यह प्रतिस्थापन क्षमता का घटता क्रम है, सबसे अधिक पहले लिखेंगे तो प्रतिस्थापन क्षमता जो है सबसे अधिक किसके पास है, मैग्नीशियम के पास है, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन और लास्ट में सबसे कम क्षमता किसके पास है, कॉपर के पास है। यह प्रतिस्थापन का घटता क्रम है, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन कॉपर, ठीक है। तो यह आपका एक क्रम हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे मान दिया गया है और उस आधार पे आपको अपचायक क्षमता का क्रम लगाना है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन अब्लिक पोटेशियम का मान दिया है -2.93 वोल्ट, सिल्वर आयन अब्लिक सिल्वर का मान है 0.80 वोल्ट, मरकरी आयन अब्लिक मरकरी का मान है 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम आयन अब्लिक मैग्नीशियम का मान है -2.37 वोल्ट और क्रोमियम आयन अब्लिक क्रोमियम का मान दिया है -0.74 वोल्ट। तो यह आपको वैल्यू दिया गया है इलेक्ट्रोड विभव का और इसको आपको अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखें ध्यान से, यह वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, यह वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया, इसको अपचायक क्षमता क्रम में लिखना है। तो किसी भी धातु के लिए अपचयन क्षमता उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह आपको बताया गया है, किसी भी धातु के लिए अपचयन क्षमता जो है
उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः अपचयन विभव जितना कम होगा वह धातु उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है, अपचयन विभव जितना कम होगा वह धातु उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी, इसलिए उस धातु की अपचयन क्षमता अधिक होगी। ठीक है, अपचयन विभव जितना कम होगा वह धातु उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी, अर्थात उस धातु की अपचयन क्षमता अधिक होगी। अतः अपचयन क्षमता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होगा। ठीक है, तो अपचयन क्षमता का यह बढ़ता क्रम आप देख रहे हैं। ठीक है, या देख रहे हैं आप सिल्वर लेस देन मरकरी लेस देन क्रोमियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन पोटेशियम, यह क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे अधिक किसका है, पोटेशियम का है, उससे कम है मैग्नीशियम का, उससे कम क्रोमियम का, उससे कम मरकरी का और सबसे कम सिल्वर का। ठीक है, तो यह एक बढ़ता क्रम है जिसमें सबसे कम जो है सिल्वर है, एजी है, उससे कम, ठीक है, उससे अधिक है मरकरी, उससे अधिक है क्रोमियम, उससे अधिक है मैग्नीशियम और सबसे अधिक है पोटेशियम। तो यह एक अपचयन क्षमता का बढ़ता क्रम है। किस आधार पर लिखे हैं, यह मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू दिया गया था उस आधार पर इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखे ध्यान से, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए, यहाँ पे आपको गैल्वेनिक सेल को दर्शाना है, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभिक्रिया देखें, जिंक सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन एक्वस एरो जिंक आयन एक्वस प्लस 2 सिल्वर आयन सॉलिड। ठीक है, यह आपका समीकरण दिया गया है। अब बताइए, आपको बताना है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर होगा कि जिंक होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा यह बताना है। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, विद्युत धारा को ले जाने वाले कौन है यह बताना है आपको, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेल अभिक्रिया जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, जिंक सॉलिड प्लस 2 एजी प्लस एक्वस एरो जिंक आयन एक्वस प्लस 2 एजी सॉलिड। ठीक, कैथोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया में सिल्वर आयन 2 एजी प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एजी सॉलिड, यह आपकी कैथोड अभिक्रिया है। और यह अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है। कैथोड अभिक्रिया पे, कैथोड पर किस क्या हो रहा है, सिल्वर का अपचयन हो रहा है। एनोड अभिक्रिया देखें, जिंक, जिंक सॉलिड या ZN 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एनोड अभिक्रिया है जिसपे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कैथोड पर सिल्वर का अपचयन हो रहा है और एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे आप देखें, पूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस 2 एजी प्लस एरो जिंक आयन प्लस 2 एजी सॉलिड। इसका सेल कैसे डिनोट करेंगे, तो आप देखें, जिंक सॉलिड आवलिक जिंक आयन एक्वस साल्ट ब्रिज, दो लाइन साल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन एक्वस आवलिक सिल्वर सॉलिड। ठीक है, तो यह आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उपरोक्त परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया कि जो उपरोक्त परिपथ है इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो जिधर जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की ओर, तो धारा किधर जाएगी, सिल्वर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर। तो धारा की दिशा क्या होगी, सिल्वर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर होगी। ठीक, एनोड पर ऋणात्मक चिन्ह होता है, एनोड पर कौन सा चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, यह आपका आंसर हो गया। और कैथोड पर धनात्मक चिन्ह होता है, कैथोड पर धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर देखा कि उपयुक्त परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से सिल्वर प्लेट की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि धारा इसके विपरीत दिशा में होती है, अर्थात सिल्वर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर। एनोड पर ऋणात्मक चिन्ह होता है और कैथोड पर धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, यह गैल्वेनिक सेल का आपको निकालना है मानक सेल विभव। निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, तो मानक सेल विभव निकालना है गैल्वेनिक सेल का, यह अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन है, पहला जो है इसका आपको निकालना है गैल्वेनिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। इसके लिए अभिक्रिया दिया गया है 2 Cr सॉलिड प्लस
थ्री सी डी दो प्लस एक्वस एरो टू सी आर तीन प्लस एक्वस प्लस थ्री सी डी। ठीक है, यह रिएक्शन दिया है, इसके आधार पर जो है आपको मानक सेल भी निकालना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आयकार दूसरा इसमें ही दिया है कि एफ ई दो प्लस आयन एक्वस प्लस ए जी प्लस एक्वस एरो एफ ई तीन प्लस एक्वस प्लस ए जी सॉलिड। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए ठीक है मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, अभिक्रिया का क्या निकालना है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालना है और साम स्थिरांक की भी गणना करना है, के का मान भी निकालना है। ठीक है, के का मान भी निकालना है और मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड निकालना है और के का मान निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले के लिए कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल को निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जो आपका पहला समीकरण दिया गया था उसको गैल्वेनिक सेल को कैसे लिखेंगे, तो यह समीकरण दिया था टू आर टू सी आर सॉलिड प्लस थ्री सी डी टू प्लस एक्वस एरो टू सी आर तीन प्लस एक्वस प्लस थ्री सी डी। ठीक है, तो क्रोमियम जो है क्रोमियम आयन में चेंज हो रहे हैं और कैडमियम आयन जो है कैडमियम में चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसको गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंटेशन करें तो देखें ध्यान से, गैल्वेनिक सेल को निम्न प्रकार करेंगे, क्रोमियम आब्लिक क्रोमियम आयन साल्ट ब्रिज, कैडमियम आयन आब्लिक कैडमियम। ठीक, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर अभिक्रिया क्रोमियम जो है क्रोमियम आयन में चेंज हो रहा है, सी आर चेंज हो रहा है, सी आर तीन प्लस में और प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर देखें, कैडमियम सी डी टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए और बन गया सी डी सॉलिड में, अर्थात कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्रोमियम का और कैथोड पर कैडमियम का अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ दो है तो यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई करें, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के योग द्वारा प्राप्त पूर्ण अभिक्रिया, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐड करें जिससे पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें जो है दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सी आर सॉलिड ठीक है हो गया प्लस थ्री सी डी टू प्लस, इसमें थ्री ठीक का मल्टीप्लाई करें थ्री सी डी टू प्लस, और यह जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या होंगे, कैंसिल जाएंगे, या छः इलेक्ट्रॉन और या छः इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे जब ऐड करेंगे, तो यह आपका समीकरण आएगा दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर, टू सी आर सॉलिड प्लस थ्री सी डी टू प्लस एक्वस एरो ठीक है टू सी डी तीन प्लस एक्वस प्लस थ्री सी डी सॉलिड। अब जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, इस समीकरण के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बायां, ई दाया माइनस ई बायां। ठीक है, तो यह दाया है और यह बायां है, तो इसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई सेल निकल जाएगा। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई दाया, ई दाया मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव कैडमियम आयन आब्लिक कैडमियम का, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोड विभव क्रोमियम आयन आब्लिक क्रोमियम का, क्रोमियम आयन आब्लिक क्रोमियम का, तो यह हो जाएगा आपका। अब जो है इनके वैल्यू आप पुट कीजिए सारे टेबल से, आप जैसे क्वेश्चन में दिया है नहीं टेबल में आप देख लें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कैडमियम आयन आब्लिक कैडमियम का है -0.40, यह है ठीक, और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रोमियम आयन आब्लिक क्रोमियम का है -0.74, यह वैल्यू है। तो यह वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें, वैल्यू आप रखें यहाँ पे, तो यह मानक इलेक्ट्रोड विभव कैडमियम आयन का -0.40 और माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रोमियम आयन का तो -0.74, यह हो गया। अब यह माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है, तो यह प्लस हो गया 0.74 हो गया और यह -0.40 हो गया। तो इस प्लस वाले मान से माइनस वाले माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.34 वोल्ट। तो यह निकल गया सेल का मानक इलेक्ट्रोड व्यू, सेल का मानक इलेक्ट्रोड व्यू कितना निकल गया 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब जो है आप अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकाल सकते हैं। अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण आप जानते हैं -NFE सेल होता है, ठीक है, डेल्टा जी आर क्या होता है -NFE सेल होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, एन का मान कितना 6, एन का मान कितना होगा 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और एफ का मान 96500, और सेल का मानक इलेक्ट्रोड भी आपको निकल चुका है 0.34 वोल्ट। यह वैल्यू जो है इस समीकरण में आप लिखें तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर -NFE सेल, वैल्यू रखें माइनस एन का मान 6, एफ का मान 96500 और मानक
इलेक्ट्रोड भी और सेल का 0.34 वोल्ट, सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो गया आपका -1.968 × 10^5, -1.968 × 10^5, यह निकल गया आपका अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, अब के का गणना करना है तो आप जानते हैं यह सूत्र कि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर होता है -2.303 RT log K। यह समीकरण आपको बताया गया है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नाट बराबर होता है -2.303 RT log K। आर का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, टी का मान 298 केल्विन, और डेल्टा जी रिएक्शन का आप निकाल चुके हैं -1.968 × 10^5। यह सब मान रखें तो यह डेल्टा जी नाट का मान जो आप निकाले हैं रिएक्शन के लिए वह रखें -1.968 × 10^5 बराबर -2.303 RT का मान, आर का मान 8.314 और टी का मान 298 log K। ठीक है, तो लाग के बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो गया आपका माइनस माइनस कर गए तो यह हो गया 1.968 × 10^5 / 2.303 × 8.314 × 298। इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसमें डिवाइड कर दें तो लाग के बराबर आ जाएगा 34.49। तो इस तरह से लाग के बराबर क्या आ गया, 34.49 आ गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो एंटी लाग हो जाएगा 34.49। ठीक है, तो लाग टेबल से आप देख सकते हैं मान को 34.49 का एंटी लाग क्या होगा, या फिर क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा एग्जाम में, तो एंटी लाग इतने की वैल्यू होती है 3.1 × 10^34 ठीक है, यह प्लस वैल्यू है -34। तो इस तरह से के का मान निकल गया 3.1 × 10^34। तो यह दशमलव के पहले जो होता है वो पावर हो जाता है 10 के। ठीक है, तो यह लाग टेबल से आप देख सकते हो कि एंटी लाग 34.49 का मान होगा 3.1 × 10^34। तो इस तरह से पहले का जो है आंसर आपका निकल चुका है। ठीक है, अब क्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकल चुका है और के का मान निकल चुका है। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं, देखें ध्यान से, यह इसका जो है दूसरा भाग है जिसमें आयरन था। ठीक है, Fe2+ aqueous + silver ion, यह चेंज हो रहा है Fe3+ aqueous में और सिल्वर सॉलिड में। इसके लिए भी आपको अभिक्रिया का मानस गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालना है और के का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को निम्न प्रकार प्रस्तुत करेंगे, Fe2+ aqueous / Fe3+ aqueous साल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन एक्वस प्लस सिल्वर सॉलिड। ठीक है, एनोड अभिक्रिया, तो एनोड अभिक्रिया पर Fe2+ चेंज हो रहा है Fe3+ में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अर्थात एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। कैथोड अभिक्रिया देखें, कैथोड पर अब चेंज हो रहा है Ag+, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, सिल्वर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है कैथोड पर, अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से आपने देखा कि एनोड पर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, पूर्ण अभिक्रिया लिखें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न कैंसिल होगा, ऐड कर दें Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag सॉलिड, यह हो गया। अब जो है इसके लिए जो है मानक इलेक्ट्रोड भी निकालना है, E सेल बराबर E दायां माइनस E बायां। तो E दायां जो है, ठीक है, E दायां माइनस E बायां लिखते हैं, आप रख दें। मानक इलेक्ट्रोड भी सिल्वर आयन आवलिक सिल्वर माइनस मानक इलेक्ट्रोड भी आयरन आवलिक आयरन जो होगा Fe2+ / Fe3+। तो यह वैल्यू होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन आवलिक सिल्वर का 0.80, अब मानक इलेक्ट्रोड भी आयरन का हो गया 0.77 वोल्ट। तो यह वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ वैल्यू आप रख दोगे तो मानक इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन आवलिक सिल्वर का 0.80 और माइनस, ठीक है, इसका मान रखेंगे आप 0.77। ठीक है, तो यह जो है इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा मानक इलेक्ट्रोड सेल का 0.03 वोल्ट। तो इस तरह से आपका निकल गया सेल का मानक इलेक्ट्रोड भी कितना निकल गया, 0.03 वोल्ट। तो मानक इलेक्ट्रोड निकलने के बाद आप अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालेंगे। तो ध्यान दें, अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा जी आर कितना होगा, माइनस एनएफई सेल होगा। एन बराबर 1 है, एफ बराबर 96500 कूलाम, और मानक इलेक्ट्रोड भी जो आप निकाले हैं 0.03 वोल्ट, वैल्यू रख दें। तो अब क्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी आर कितना होगा, तो एन का मान, ठीक है, माइनस एन का मान 1 × 96500 × 0.03 मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 2895 जूल पर मोल। चेंज कर दें किलो में, 3 कर दें
हो जाएगा 2.895 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड आप निकाले, ठीक है, कितना निकला, -2.895 किलो जूल पर मोल। ठीक है, माइनस अगर नहीं लिखते हैं तो यह हो गया 2.895 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जो है के की गणना करें तो आप जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303 आर टी लाख के, तो लाख के बराबर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है, माइनस डेल्टा जी नॉट बटे 2.303 आर टी। वैल्यू रख दें तो माइनस, ठीक है, डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू आया है रिएक्शन के लिए -2895 जूल पर मोल यह हो गया बटे 2.303, आर का मान 3.4 और टी का मान 298, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया 0.5074। यह किसका मान निकला है, लाख के का मान निकला है, तो लाख के बराबर हो गया 0.5074, तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो एन टी लाख हो जाएगा, तो के बराबर एन टी लाख 0.5074। तो इसका आप लाख टेबल से देखेंगे एन टी लाख जो होगा इसका वैल्यू निकल आएगा 3.217, तो के का मान कितना हो गया 3.217 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।